नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल फटाफट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी लेकर के आए हैं, करौंदा प्याज की चटपटी सब्जी। ये आप घर में कभी भी बना सकते हैं, करौंदा बस हो आपके घर में तो बहुत ही फटाफट बनती है और इतनी टेस्टी लगती है कि इसके आगे आपको सारी सब्जियां बिल्कुल फेल हो जाएंगी। तो समय को न बर्बाद करते हुए आज हम देखेंगे करौंदा प्याज की चटपटी सब्जी। करौंदा प्याज की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हमको जिन सामग्री की आवश्यकता होगी उनको हम देखते हैं। करौंदा मैंने लिए हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के और रेड कलर के करौंदे, ऐसे वाइट कलर के भी आते हैं, वाइट और रेड में, चाहे आप वो ले सकते हैं, कोई भी करौंदे लेंगे। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। ये तौल में देखा जाए तो 100 ग्राम के आसपास करौंदे हैं। और साथ में मैंने कुछ सब्जी ली हुई है, ये दो मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, ये तौल में लगभग 100 ग्राम प्याज है। इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने इसको काट लिया है। और साथ में मैंने ली हुई शिमला मिर्च, एक बड़ी सी शिमला मिर्च ली है, ये 50 ग्राम है, इसको भी पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मैंने दो हरी मिर्च भी ली हुई हैं, इनको भी ऐसे दो टुकड़ों में काट लिया है। साथ में कुछ मसाले डालूंगी, उनको हम देखते हैं। देखिए, ये एक चम्मच चाय का धनिया है और ये सौंफ है, मोटी वाली सौंफ मैंने ली मसाले वाली, और साथ में आधा चाय चम्मच जीरा है, और साथ में बिल्कुल आधा चाय चम्मच के बराबर मेथी दाना है। इन सबको तवे में या कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट कर लिया है, सूखा ही, और दरदरा मैंने इसको पीस के इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। साथ में हल्दी पाउडर लिया हुआ है, पिसी मिर्च पाउडर है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले भी ले ली है, और साथ में सादा नमक लिया है, और बघार के लिए तड़का के लिए जीरा लिया हुआ है आधा चाय चम्मच, और बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लिया हुआ है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। आगे की प्रक्रिया देखते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है और इसमें चढ़ा दी है कढ़ाई। अब इसमें मैं डालूँगी दो बड़े चम्मच तेल। जब तक हमारा तेल का गर्म हो रहा है तब तक देखिए इस करौंदों को मैं काटूंगी। ये करौंदे मैंने लिए हुए हैं, इसको दो भागों में काट लेंगे, और इसका ये जो बीज वाला हिस्सा है काला काला सा, इसको मैं हटा देंगे। देख रहे होंगे, इस तरह से सभी करौंदों को काट लेंगे। देखिए, दो भाग में कर लेंगे और इसका जो बीज का हिस्सा है, बीज वाला, इसको हटा देंगे। देखिए, इसी तरह से मैंने सभी करौंदों को काट लिया। जब तक तेल गर्म हो रहा है, अब इसमें थोड़ा सा तेल सरसों का है, मस्टर्ड ऑयल है, तो थोड़ा सा इसका जो कड़वापन है, झार है, वो निकल जाए, तेल अच्छी तरह से तड़क जाए, तभी जीरा डालेंगे। ये बहुत ही जल्दी सब्जी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। सारी सब्जियां आप इसके आगे बिल्कुल फेल हो जाएंगी। देखिए, तेल से धुआं निकलने लगा है, अब हम डालेंगे इसमें जीरा। डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में डाल देंगे इसी में प्याज। सबसे पहले प्याज को लाल करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम से लो में रखेंगे। प्याज को आधी से ज़्यादा लाल कर लेंगे, गुलाबी हो जाएगी। अभी इसमें नमक वगैरह बाद में ही डालेंगे, अभी नमक नहीं डालेंगे। थोड़ा सा प्याज और हो जाए,
करौंदे की खटास और मिर्च का सौंधापन, खुशबू, थोड़ा तीखापन और प्याज मिलके ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें जो मसाले हम लोग प्रयोग करते हैं, सूखी धनिया वाला, वो इसमें इसकी सौंधी सौंधी खुशबू बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए हमारी प्याज लगभग हो रही है, थोड़ा सा और हो जाए हल्की सी, इसको बराबर चलाते रहेंगे। ये सावधानी रखेंगे, ये तो नॉन स्टिक है, आप साधारण कढ़ाई पर भी इसको आराम से बना सकते हैं। प्याज को बराबर चलाते रहेंगे ताकि सभी तरफ से ये भुन जाए। अब इसमें डाल देंगे ये करौंदे, करौंदे डालकर ही और साथ में डाल देंगे ये तीखी वाली दो मिर्च। थोड़ा सा प्याज अब करौंदे के साथ भी भून जाएगी। बस इसको दो मिनट तक इसी तरह से थोड़ी गैस की फ्लेम कर देंगे धीमी और थोड़ा सा दो मिनट तक और भूनेंगे। अब देखिए प्याज भूनते हुए दो मिनट हो गया है, करौंदा भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च, इसको भी डाल के एक मिनट तक सब बराबर कर लें, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें कुछ मसाले, वो जो भुने मसाले थे वो भी ऐड करेंगे। देखिए वो जो भुना था धनिया, सौंफ, जीरा वाला मसाला, वो इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ी सी डालेंगे अब एक चौथाई छोटा चम्मच पिसी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर तीखा खाना, ये थोड़ी सी तीखी ही सब्जी अच्छी लगती है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अभी तक नमक का प्रयोग नहीं किया है, अब सब्जी भुन गई है, इसमें अब हम डालेंगे सादा नमक। सादा नमक ये 1/4 चम्मच, 1/3 चम्मच इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सौंफ, धनिया सब मसाले की, और बहुत ही फटाफट आप देख रहे होंगे बन रही है। अब बस इसको मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दूंगी, स्लो में, और 2 मिनट के लिए ढाकूंगी और अलटती पलटती भी जाएंगे। यदि 2 मिनट में नहीं पकती है तो 1-2 मिनट और धीमी आंच में ही पका लेंगे। देखिए सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, मैंने एक बार बीच में चला भी दिया था, इसको अलट पलट दिया है। अब देखिए पूरी तरह से पक गई है और कितनी भी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी, किनारे का तेल भी सब्जी ने छोड़ दिया है। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये किसी भी पूड़ी, पराठा, रोटी, किसी के साथ भी इसका स्वाद लिया जा सकता है। इसको बस गर्मा गर्म सर्व करने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, करौंदा प्याज की सब्जी बिल्कुल बन करके गर्मा गर्म रेडी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी, फटाफट बनने वाली तुरंत रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक्स।